अब मैं तुम्हें रिंग मारूंगा, मिस कॉल मारूंगा, ठीक है? हाँ भूल गई थी। तो ये मेरे एक मेरे ट्रेनर सर है, एक मेरे नॉर्मल सर है। नॉर्मल सर है कि ओनर सर है? हाँ ओनर सर है सर। हाँ मिस कॉल करके मैं तुम तुरंत मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें नए नंबर से कॉल करूंगी तो उठाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मिस कॉल मारने के 10 सेकंड बाद। मतलब एकदम ना इनको इज्जत चाहिए विधायक वाली। ओके हाँ हाँ ठीक है। तो ये दोनों सर हैं, एक ओनर सर हैं और ये ट्रेनर सर हैं। 10 सेकंड ना? हाँ ठीक है। ओके एक तुम्हारा तुम मुझे फोन लगाओगे मैं काट कर दूंगा, तुम्हें लगाते जाना है, ठीक है? हाँ 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 ठीक है ठीक है, डन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस मेरी होस्टिंग अदर व्लॉग। सो गाइस, ये एक बहुत ही ज्यादा रैंडम व्लॉग है जिसमें मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या करने वाली हूँ क्योंकि इसका कुछ थीम नहीं है। सो अभी मुझे सुमित का फोन आया। सुमित के फोन आने से पहले मैं एग्जाम दे के आई हूँ। आज मेरा लास्ट एग्जाम था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यार मेरा एग्जाम फाइनली हो गए। तो एग्जाम फाइनली हो गए ना, तो एक जो बहुत बड़ी जो टेंशन थी ना वो मेरे दिमाग से हट गई है। अब मैं बताती हूँ कि सुमित का फोन आया अभी जस्ट, और वो लोग अभी कुछ प्रैंक वगैरह कर रहे हैं तो मुझे उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। और सुमित ने बोला कि थोड़ा सा वॉइस चेंज करना है और पता नहीं क्या कुछ जेलिसी प्रैंक वगैरह वो कर रहे हैं। वो उसके चैनल पर कल परसों में रिलीज होगा, कल या परसों में ऑलमोस्ट, क्योंकि एक दो दिन से ब्लॉग आया नहीं उसका। और इसके बाद थोड़ा सा वॉइस चेंज करके बात करनी है। तो एक्चुअली ना मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताती हूँ कि मेरे पास है सेटअप। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी, मैं आपको इंटरनल बात बता रही हूँ। मैं हूँ एक म्यूजिशियन, ठीक है? जो मेरा काम है, जो मैं प्रोफेशनली जो मैं काम करती हूँ, आई एम अ म्यूजिशियन, जो इसमें मैं लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ म्यूजिक से रिलेटेड। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे प्लेटफॉर्म, जैसे मौज हो गया, ठीक है, यूट्यूब पे तो अभी मेरे को एक्सेस नहीं मिला। एक्सेस है मेरे पास लेकिन ऐसा है कि उससे मुझे अभी इनकम नहीं होता है। तो आई गेस कि यूट्यूब स्ट्रीमिंग इज द वेस्ट ऑफ टाइम। और जैसे मौज एप्लीकेशन हो गया, एमएक्स हो गया, एमएक्स प्लेयर, आप लोग ने जब आप लोग बहुत सारी स्ट्रीम्स वगैरह देखते हो, ठीक है, वहाँ पे भी मैं ऑलरेडी स्ट्रीम्स करके छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे अभी तो ऐसा है कि मैं अभी 3 एप्लीकेशंस पे काम कर रही हूँ। इससे पहले ना मैं 5 एप्लीकेशंस पे काम करती थी। तो अभी एग्ज़ाम के कारण ना मुझे इस मंथ पर्टिकुलरली ड्रॉप करना पड़ा। तो मेरा बेसिकली जो काम है ना वो एक्चुअली स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग ना कुछ सोचते होंगे कि यार ये लोग मतलब तुम्हारा जो अर्निंग सोर्स है वो क्या है, क्योंकि अब आप लोग को सभी चीज़ पता है तो यूजली मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो आई एम अ लाइव स्ट्रीमर, एक्चुअली आई एम एन आर्टिस्ट। तो मेरे पास पूरा सेटअप है, जैसे कि वॉइस चेंज, जैसे कि आप लोग ना बहुत सारे स्ट्रीम्स में तो नहीं, बहुत कम लोग ही शायद मुझे स्ट्रीम्स में देखते होंगे। जैसे यूट्यूब पे आप लोग ने साउंड इफेक्ट्स वगैरह देखे, तो मेरे पास ना एक्चुअली पूरा सेटअप है। तो अभी सुमित करने वाला है निकिता पे प्रैंक, कुछ जेलेसी प्रैंक, क्योंकि एज यू ऑल नोस दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं भी आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और पता है ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार नहीं मतलब ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी सुमित और निकिता ऐसे प्रैंक वगैरह करते हैं ना, जो तो थर्ड पर्सन होता है, भले वो वॉइस में हो अगर मुझे वॉइस देनी है, ठीक है, या फिर प्रैंक में हो, तो मैं ही होती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि यार मैं एटलीस्ट कुछ काम आ रही हूँ। तो चलो अभी सुमित का कॉल आता है, फिर मैं देखती हूँ, बताती हूँ कि क्या बोलेगा वो, क्या प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद बताती हूँ मैं जैसे ही वो उसका कॉल आता है। A few minutes later. Hello? रिया, अब मैं तुम्हें रिंग मारूंगा, मिस कॉल मारूंगा, ठीक है? हाँ हाँ मिस कॉल करके मैं तुम तुरंत मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें नए नंबर से कॉल करूंगी तो उठाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मिस कॉल मारने के 10 सेकंड बाद। 10 सेकंड ना? हाँ ठीक है। ओके एक तुम्हारा तुम मुझे फोन लगाओगे मैं काट कर दूंगा, तुम्हें लगाते जाना है, ठीक है? हाँ 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 ठीक है ठीक है, डन। ओके और अच्छी एकदम तगड़ा ब्लड करना, ये आवाज चेंज करके, ठीक है? हाँ हाँ ओके 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 हेलो। कुछ समय पश्चात प्रयास करें, द नंबर यू हैव डायल्ड। सुमित ने फोन कट कर दिया है। स्क्रिप्ट ये थी कि फोन कट होगा 2-3 बार। हेलो, हाँ तो मेरा बॉयफ्रेंड आया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फ्लड मारोगे मुझसे वापस। दूसरी बार कॉल किया। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली। इसको फिक्स करते हो, वेट, प्लीज ट्राई लेटर। It should be like this. आप लोग को आवाज नहीं आएगी जो बात होगी अदर साइड से। व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फोन ही नहीं उठा रहा, सच में नहीं उठा रहा। आओ, तुम किसके साथ हो?
क्या हो गया? कहाँ बेबी तुम हो कहाँ? अरे तुम कहाँ हो ये बताओ मुझे, तुम कब से मिलने वाले थे, तुम मिल क्यों नहीं रहे हो? बेबी क्या हुआ यार, किसके साथ हो तुम, किसके साथ हो तुम? अरे कौन वाइफ यार, तुम किसके साथ हो सुमित यार, तुम क्यों कहाँ, तुमने उससे, मैंने तुमने उस दिन बोला था। अरे कौन वाइफ यार, मुझे कुछ नहीं पता, सुमित से बात करवाओ मेरी, मैं उसकी बॉयफ्रेंड, मैं उसका गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे चीट वीट क्या, हम लोग कब से ज़्यादा दिन भर एडिटिंग वगैरह करता है, परेशान हो जाता है, तुम्हारे साथ रहते तो मैं समझ नहीं आता, मेरी बात कराओ उससे तुम। बाय। सो भाई तुम्हारी रिया दीदी ने गेम कर दिया एकदम। भाई मेरा सेटअप ना बहुत काम है, बहुत काम आ जाता है। तो भाई मैं अभी आ चुकी हूँ जिम, और मैं अभी खड़ी हूँ तरुण फिटनेस के बाहर, मतलब हाँ मेरी जिम है ये। और मैं ना घर पे व्लॉग करना भूल गई थी, तो चलो चलते हैं, बैग वैग टांग के आई हूँ मैं घर पे, ना व्लॉग करनी भूल गई मैं। सो फाइनली आई एम इन द जिम राइट नाउ, ये रही मेरी जिम, दिखाती हूँ, दिस इज माय जिम। हाय सर, आप सर आप लोग व्लॉग में आ रहे हैं? ओ तो ये मेरे सर हैं, ये दोनों मेरे सर हैं। हाँ तो बेसिकली मैं ना घर पे ब्लॉग करना भूल गई थी, तो ये मेरे, एक मेरे ट्रेनर सर है, एक मेरे नॉर्मल सर है। नॉर्मल सर है कि ओनर सर? हाँ ओनर सर है सर, मतलब एकदम ना इनको इज्जत चाहिए विधायक वाली। ओके हाँ हाँ ठीक है, तो ये दोनों सर हैं, एक ओनर सर हैं और ये ट्रेनर सर हैं, ये बहुत डेडिकेटेड ट्रेनर हैं। ठीक है सर, आप मैं डाल दूँ ना कुछ, प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मतलब मैं ब्लॉग करती हूँ ना सर। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक्चुअली ना अभी ट्रेनिंग कर चुकी हुई हूँ, और ट्रेनिंग के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट आई हुई थी, मैं जिम आ गई थी 5 बजे, और ये रही, ये मैं बाद में ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, इसका सबसे मेन रीज़न ये है, क्योंकि मेरी हालत देख रहे होगी, ये मत बोलना कि मतलब इतनी बिखरी हुई लग रही हूँ इसके बाद ही ब्लॉग कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी कर चुकी थी ना, इसलिए मैं ना एक्चुअली भूल गई थी जिम आने से पहले ब्लॉग करना, तो मैं चलो बाद में कर लेंगे, ये मेरे मुझसे सच निकल गया कि मैं ना ब्लॉग बाद में कर रही हूँ जिम के। तो बस अब फटाफट मेरा जिम वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, अभी टाइमिंग हो रही है 7 बजने में, ऑलमोस्ट 20 मिनट है, फटाफट थोड़ा बहुत और मेरा वर्कआउट बचा है वो करते हैं, फिर चलते हैं।